प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन्स रिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो न्यूटन्स रिंग है वो एक्चुअली एक स्पेशल केस होता है इंटरफ्रेंस ड्यू टू वेज शेप्ड फिल्म का। हमने वेज शेप्ड फिल्म ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और इसमें भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से ही इंटरफ्रेंस होता है। एक जो इसका एपरेटस है, हमको क्या क्या चाहिए होता है? एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस चाहिए होता है। देन हमको चाहिए होता है ग्लास प्लेट्स, और उसके बाद माइक्रोस्कोप, इसके साथ में मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स कह सकते हैं, हाँ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। तो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है कि ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं और ये रहा आपका ग्लास प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, ये आपका है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यहाँ पे रखा है सपोज, और ये आपका ग्लास प्लेट है, पी पी डैश नाम दे देते हैं। ये दोनों ग्लास प्लेट हैं, ये है एल लेंस, पी एंड पी डैश ग्लास प्लेट, और ये है एम यानी माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो लाइट रेज यहाँ से आती हैं, यहाँ से आ करके ये टकराती है इस ग्लास प्लेट पे, टकरा करके ये वाली रे आई, ये टकराई ग्लास प्लेट पे, फिर ये गई लेंस में टकराई, यहाँ से डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हुआ और ये एक रे आगे बढ़ी, ट्रांसमिट हो गई, एक रे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और यही रे का जो दूसरा हिस्सा था वो अगेन यहाँ पर डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हो गई ये दूसरी रे। वैसे ही ये वाली रे आती है, ये आकर के यहाँ पे टकराती है, फिर इस वाले सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है, देन नीचे वाले सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये सारी रेज यहाँ पर पहुँच करके इंटरफ्रेंस क्रिएट करती है और उस इंटरफ्रेंस को हम लोग किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप न्यूटन रिंग देखना चाह रहे हैं। एक तो ये कि जो रेडियस ऑफ कन्वेचर है किसका, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस पहली बात तो ये बता दें, यानी एक ऐसा लेंस जिसका एक हिस्सा प्लेन है और दूसरा हिस्सा कैसा है, कन्वेक्स है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लार्ज होना चाहिए, ये कंडीशन है न्यूटन रिंग वाले एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये वाला जो प्लेट है आपका और ये जो लेंस है उसके बीच का एंगल हमेशा 45 डिग्री होना चाहिए, तभी आपको न्यूटन रिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो एंगल है आपका किसके किसके बीच में, एंगल बिटवीन प्लेट एंड लेंस जो है वो 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं तो हमारे को रिंग्स मिलती हैं, वही फ्रिंजेस हैं। और वो कैसी मिलती है, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क, एक मिली डार्क उसके बाद मिली ब्राइट, फिर उसके बाद मिलेगी जो वो होगी डार्क, फिर उसके बाद वाली होगी ब्राइट। ये कुछ इस तरीके से हमको फ्रिंजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये न्यूटन रिंग्स बनी हैं इनके लिए जो कंडीशन होगा आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए, उसको हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है
पाथ डिफरेंस थिन फिल्म इंटरफ्रेंस के लिए डेल इज इक्वल्स टू टू म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई टू होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए हम लोग को क्या करना होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन आपकी होती है कि डेल इज इक्वल्स टू आप रखेंगे एन लैम्डा यानी टू म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई टू इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। इसका मतलब टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन आपकी इसी तरीके से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस अगर आप करते हैं तो फिर उसके लिए कंडीशन आपकी होती है टू म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई टू इज इक्वल्स टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा टू म्यू टी कॉस आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो आपको जो ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी उसके लिए कंडीशन ये है, और जो आपको डार्क फ्रिंज मिलेंगी उसके लिए कंडीशन ये है न्यूटन रिंग वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। यहाँ पर जो आपका कहना चाहिए जो सेंटर वाला फ्रिंज है वो आपको मिलेगा डार्क। क्यों यहाँ पे सेंटर वाला फ्रिंज डार्क मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो जो थिकनेस है उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो अगर आप थिकनेस की वैल्यू ज़ीरो कर देते हो तो आपको कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, डेल्टा की। डेल्टा की कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस वाली कंडीशन होगी, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो फ्रिंजेस फ्रिंज मिलेगी जब आपका थिकनेस ज़ीरो होगा, आगे और डिस्कस करेंगे हम इसको, वो होगा डार्क, ठीक है। ये एक बात हुई, और दूसरी बात जो है वो ये है कि यहाँ पे जो फ्रिंजेस मिलेंगी, ठीक है, ये फिल्म जो है ये बन कहाँ रहा है, एक्चुअली ये यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से हम देख करके ये कह सकते हैं कि ये थिकनेस जो है फिल्म की वो अलग अलग पॉइंट पे हमको अलग अलग मिलेंगी, यानी कि फिल्म की थिकनेस जो है वो वेरी कर रही है। तो फिल्म की थिकनेस तो वेरी करेगी यहाँ पे, तो हम कहेंगे जो फिल्म बना है उसका थिकनेस हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। लेकिन साथ में यहाँ पे एक और बात ये है कि जो थिकनेस है फिल्म का वो उसकी वजह से, वो अगर हम 3D देखें इधर से, तो उसकी वजह से आपको सेंटर में कुछ इस तरीके का रिंग मिल रहा है, रिंग शेप मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो आपका न्यूटन रिंग होता है वो, या न्यूटन्स के जो फ्रिंजेस होते हैं ये कहलाते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, ठीक है। फ्रिंजेस जो बनेंगी ना, ये जो फ्रिंजेस बनेंगी इनकी थिकनेस जो होगी वो सेम होगी, लेकिन फिल्म का जो थिकनेस है वो वेरी करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।